नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं जनता शो। दोस्तों, हाल फिलहाल में ठगी की खबर सामने आई है और ये ठगी का मामला आया है कोई छोटी मोटी कंपनी से नहीं, बल्कि ज़्यादातर सबकी पसंदीदा खाने की जगह डोमिनोज पिज़्ज़ा से। जी हाँ दोस्तों, डोमिनोज पिज़्ज़ा की तरफ से खबर आई कि उन्होंने एक कस्टमर से कैरी बैग के लिए मांग लिए 13 रुपये, और 13 रुपये मांगना उनके लिए पड़ गया महंगा, और बदले में जुर्माने के रूप में उन्होंने चुकाए 10 लाख रुपये, एक पहले वाले केस में और अब इस केस पर। पहले इस केस की बात करते हैं। दरअसल मामला है चंडीगढ़ के सेक्टर 8 का, जहां रोज़ की तरह एक कस्टमर पिज़्ज़ा लेने आया और पिज़्ज़ा लेने के बाद कस्टमर को कैरी बैग की ज़रूरत पड़ी तो कस्टमर ने कैरी बैग मांग लिया, और जब कैरी बैग मांगा गया तो डोमिनोज पिज़्ज़ा ने उस कैरी बैग के लिए उनके बिल में जोड़ दिए 13 रुपये। कस्टमर को लगा ये क्या बात हुई, पिज़्ज़ा ले जाने के लिए कैरी बैग की ज़रूरत तो किसी को भी पड़ सकती है, सामान हाथ में ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है और कस्टमर इसलिए कैरी बैग तो मांगेगा ही, और अगर कैरी बैग के लिए भी पैसे लिए जाएंगे तो ये व्यापार करने की गलत नीति है। ये तो सरासर ग्राहक के साथ ठगने वाली बात हो गई। अब कंपनी को पता है कि कस्टमर कैरी बैग तो लेगा ही, तो इसका मतलब कंपनी सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रही है और ग्राहक का इसमें नुकसान हो रहा है, और इस तरह व्यापार करने का ये सही तरीका नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। इसलिए ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट में अपील कर दी और कंपनी को बदले में जुर्माने के तौर पर चुकाने पड़ गए करीब 5 लाख रुपये। इस बहादुर शख्स का नाम है पंकज, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। पंकज आगे अपनी दलील में कहते हैं कि इस कैरी बैग पर कंपनी का लोगो होता है और कंपनी इस तरह ग्राहक के पैसे से अपना प्रचार नहीं कर सकती, ये सरासर ग्राहक के साथ शोषण होने वाली बात है। इनकी इन दलीलों को कंज्यूमर कोर्ट ने सही माना और सीधे सीधे डोमिनोज पिज़्ज़ा पर जुर्माना लगा दिया। दरअसल पंकज पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में गए, जहां पर जुर्माना सहित पंकज को केस लड़ने के लिए खर्च में 500 रुपये, नुकसान के 100 रुपये और कंपनी को जुर्माने के 10,000 चुकाने को कहा गया। लेकिन पंकज इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसा ही एक केस हुआ था जिसमें जुर्माना ज़्यादा लगा था और ग्राहक को भी नुकसान के ज़्यादा पैसे मिले थे। तो इसलिए पंकज अब स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में गए, जहां उनकी दलीलों को सही मानते हुए वहां के जज राजशेखर अत्री ने आदेश दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ग्राहक को नुकसान के पैसे दिए हैं वो काफ़ी नहीं है, और अब स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के नए फैसले के तहत ग्राहक को 2500 रुपये, मानसिक प्रताड़ना के अलग से 1500 रुपये, कैरी बैग के 13 रुपये, जुर्माने के 10,000 रुपये और PGI चंडीगढ़ में करीब 4,90,000 रोगी कल्याण कोष में जमा कराने को कहा गया। तो देखा आपने कि कोर्ट ने कितना सही फैसला लेते हुए पंकज को न्याय दिलाया। दोस्तों, हम यहाँ पंकज की भी तारीफ करना चाहेंगे, जिन्होंने समय निकालकर ये केस फाइल किया, वरना अमूमन कोई सोचता कि 13 रुपये तो है ही, किसके पास इतना टाइम है कि इसके लिए केस फाइल करें। मगर पंकज ने ऐसा कुछ भी ना सोचते हुए इस मुद्दे को उठाया और उनके इस कदम से लोगों को जागरूक भी किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।